बड़ी सफलता हासिल हुई है जब उसने 30,000 रुपए का कुख्यात इनामी बदमाश खलनायक पारदी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़ा 30,000 रुपए का इनामी कुख्यात बदमाश खलनायक पारदी। पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही बदमाशों की धरपकड़ के तहत कैंट पुलिस को सूचना मिली कि 30,000 रुपए का इनामी बदमाश खलनायक पारदी गोकुल सिंह चक पर स्थित पारदियों के टपरे पर ठहरा हुआ है, जिसके बाद कैंट थाना प्रभारी मदन मोहन मालवीय ने एक टीम बनाकर गोकुल सिंह चक पर पहुंचकर घेराबंदी, जिसके बाद उन्होंने इस पारदी को पकड़ने में सफलता हासिल की। इसी पारदी की गिरफ्तारी के चलते पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया, जिसमें पारदी के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। गोविंदराम के साथ में पकड़ा है खलनायक पारदी को, और अभी जो है हमारे पास में और भी कुछ इनपुट्स है। बेसिकली इसका जो साथी है नानू पारदी, उसके लिए भी पुलिस प्रयास कर रही है। इनके द्वारा 2017 में कैंट में जो है वो हत्या का प्रयास, 307 का मामला जो था उसके अंदर भी इसका नाम था। उसमें कुल मिला के 10 नाम थे। 2 लोग पहले पकड़े गए थे, इसमें ये जो है ये भी फरार था, उसमें ये 10,000 का इनामी भी है। और साथ साथ में 3 स्थाई वारंट है इसके ऊपर। अभी इसको हम लोगों ने जो है वो कितने लोगों की टीम के द्वारा पकड़ा जाएगा? ये तो लगभग 6-7 लोगों की टीम थी। सूचना ने गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया था। मेरे पास तो 16/18 जो मामला था, जिसके अंदर अड़ीबाजी का मामला था, वो और भी डिटेल हम लोग अवेलेबल करवा देंगे अभी प्रेस में। तो अभी तो ये 4 मामले पहले थे, जब तक कलम पूछताछ कर रहे थे। अभी नया मामला है, वो राउंडअप भी कर लेंगे, और कुछ 2-3 लूटों का जो अभी गुना में हाल फिलहाल में हुई थी फरवरी के माह में, उसका खुलासा करेंगे। ये अभी पुलिस द्वारा जो है वो एक खलनायक पारदी करके एक कुख्यात बदमाश है, जो लगभग 30,000 का इनामी बदमाश है, उसको गिरफ्तार किया गया है। ये इसके ऊपर कुल मिला के 5 अलग अलग अपराध है, जिसके अंदर एक तो अभी हाल फिलहाल में जो हम लोगों ने 60,000 का इनामी पकड़ा था सीताराम पारदी, उसके साथ में डकैती की तैयारी करते हुए फरार हुआ था, उसमें इसकी अभी हमने गिरफ्तारी भी की है। साथ साथ में 2017 में इसके द्वारा जो है वो एक 307 का मामला हुआ था, जिसमें ये हमारे वांटेड भी था कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत। अभी 2018 में भी इसके द्वारा एक गड़ीबाजी की घटना की गई थी, उसमें भी ये वांटेड था। ऐसे कुल मिला के 4 अलग अलग मामलों में वांटेड था। इसके ऊपर 3 जो है वो स्थाई वारंट भी है, जो कि पुलिस ने इसको पकड़ के तामील करवाया है। और अभी जो हम लोगों ने इसको पकड़ा है, इसके साथ पास में एक 12 बोर की बंदूक और साथ में 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। कहाँ से पकड़ा सर इसको? जो है ये कैंट थाने की पुलिस ने, कैंट थाना अंतर्गत जो क्षेत्र है वहीं से उसको पकड़ा हुआ। सर 30,000 जो इनाम है वो गुना जिले का ही है क्या, आगे बाकी जिले का भी? ये अभी जो है हमारा गुना जिले का इनाम है, और भी बाकी जगहों पर हमने मैसेज किया है, अगर उसमें भी कोई इनाम